नमस्कार दोस्तों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कथन बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो इसे हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति ही चरितार्थ करती है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत, उस पर बर्फ की चोटियां, तो दूसरी तरफ हरे भरे मैदान और रेगिस्तान। एक तरफ घने जंगल तो दूसरी तरफ जनजीवन को सींचती हजारों नदियां। इतना ही नहीं, यहाँ मौसम के भी कई रूप हैं। यहाँ सावन झूम के गाता है और भादो जम कर बरसता है। बसंत जब अपने यौवन पे आता है तो हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, और जाड़े के मौसम में गर्म कपड़े पहनना और अलाव जलाने का मजा ही कुछ और है। हिंदुस्तान को विविधताओं में एकता वाला देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जितनी विविधता है उतनी दुनिया के और किसी देश में नहीं है। पूरब में बंगाल का हर चीज अलग, तो पश्चिम में गुजरात और राजस्थान का हर चीज बिल्कुल अलग। बंगाल की भाषा अलग, खान पान अलग, कल्चर अलग, पहनावा अलग। उसी तरीके से राजस्थान का पहनावा अलग, खान पान अलग, बोली अलग, सब अलग। उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में केरल अलग अलग। कश्मीर का मौसम अलग, केरल का मौसम अलग, खान पान अलग, बोली अलग, उठना बैठना अलग, सब अलग। इतनी भाषा, इतनी बोलियाँ, इतनी संस्कृतियाँ, पर्व त्यौहार, खान पान, पहनावे, सब अलग अलग, मगर सब एक साथ, एक झंडे के नीचे, एक संविधान को मानने वाले। इतनी विविधता वाले लोग एक साथ रहते हैं, ये कैसे संभव है? इसलिए कि हम भाषा या प्रांत को लेकर, जाति धर्म को लेकर भेद नहीं करते, सबको मान सम्मान देते हैं। हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे अलग है। पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ हिंदुस्तान ने ही पढ़ाया है, जो आज राजनीति की सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। बिहार का वैशाली गणराज्य दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र का प्रयोग कर चुका था। सबसे ज्यादा धर्मों की उत्पत्ति इसी हिंदुस्तान की धरती पर हुई। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन धर्म सभी यहीं पैदा हुए। सारी दुनिया को हमने अहिंसा और शांति का पाठ इसी धरती से पढ़ाया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत ये है कि जितने भी लोग यहाँ आए, जितनी भी संस्कृतियाँ आईं, जितने भी धर्म के लोग आए, सबको इसने अपनाया और अपने रंग में रंग लिया, सबको गले लगाया और सम्मान दिया। सारा विश्व हमारा कुटुंब है, इसका ये स्लोगन तो अद्भुत है। मतलब ये कि हम सिर्फ मानव जाति को ही नहीं, बल्कि जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधों को भी महत्व देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सबकी रचना इसी प्रकृति ने की है, और ये जरूरी है इस धरती पर इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए। तो एक बार फिर से, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद।